तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए पढ़ते हैं इसको। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी कॉमा क्यू आर प्राइम्स। तो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर्स है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवेन पी कॉमा क्यू आर प्राइम नंबर्स। क्या होंगे पी कॉमा क्यू? पी कॉमा क्यू आर प्राइम नंबर्स, जैसा कि हमें वहां पर दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट पी कॉमा रूट क्यू आर इरेशनल नंबर्स। क्या होंगे वो? वो होंगे इरेशनल नंबर्स। ये आपको मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ सो दैट हमें आगे प्रॉब्लम में हेल्प हो। अंडर रूट कोई प्राइम नंबर होगा तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये मैंने आपको बहुत बार कह दिया है। तो आइए प्रॉब्लम को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल। क्या अज्यूम करना है हमें? हमें अज्यूम कर चलना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर। अब अगर वो रेशनल होगा तो वो किसके इक्वल होगा? रूट पी प्लस रूट क्यू होगा इक्वल टू ए बाई बी, वेर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स। क्या होंगे वो? वो होंगे इंटीजर्स। अब आइए हम हमारे रेगुलर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको टू नंबर्स दिए गए हैं और उसके ऊपर अगर रूट है तो हम एक नंबर को उधर भिजा देंगे, इस टर्म को मैं उधर भिजा दूंगा, ये बन जाएगा रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट क्यू। अब क्या करना होगा हमें? हमें यहाँ से स्क्वायर निकालना है, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा पी। और ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ए बाई बी माइनस रूट क्यू होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। आइए मैं फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ आपको। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आइए अब हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। ये पी हो जाएगा और ये बन गया ए। आइए मैं इसको आपको लिख के भी बताऊंगा। ये ए बाई बी बन जाएगा ए माइनस रूट क्यू यहाँ पर है बी। तो हमें अब राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस रूट क्यू स्क्वायर। बी स्क्वायर था तो रूट क्यू स्क्वायर बन जाएगा क्यू माइनस टू ए रूट क्यू डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि यहाँ पर ए बाई बी है और बी रूट क्यू है। अब आगे का प्रोसीजर वहां पर फॉलो करते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये दोनों टर्म्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस क्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर ला लूंगा, तो क्या बन जाएगा वो? पी माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस क्यू, क्योंकि ये प्लस था अब इधर आ गया माइनस हो गया। अब बच गया क्या वहां पर? माइनस टू ए रूट क्यू डिवाइडेड बाई बी। अब मुझे यहां पर सिर्फ रूट क्यू अकेला चाहिए, तो मैं इस बी को उधर भेज दूंगा, पी माइनस क्यू लिखूंगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रहना चाहिए, यहां पर भी स्क्वायर था। तो अब हम ये वहां पर ले लेंगे, बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इस माइनस टू ए को भी मैं इधर भिजा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिविजन में चला जाएगा b बाई माइनस टू ए। ये स्टेप फिर से देखिए, b डिविजन में था, उधर जाने पर मल्टीप्लीकेशन ऊपर आ गया, ये ऊपर था न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में, अब नीचे आ जाएगा डिविजन में, यहाँ क्या बच गया? रूट क्यू बच गया। अब हमें पता है कि हमारे पास a कॉमा b इंटीजर है, आप कुछ भी यहाँ पर इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो a और b के प्लेस पे, आपको रेशनल नंबर आएगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? एज a कॉमा b आर इंटीजर्स, क्योंकि a कॉमा b इंटीजर्स है, दिस p माइनस क्यू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इन टू बी बाई माइनस टू ए इज रेशनल। क्या होगा वो? वो हो जाएगा रेशनल। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी रेशनल होगा यहां पर, क्योंकि इक्वल टू ईच अदर ये जो रहेगा वो भी वही रहेगा, सो
रूट क्यू इज ऑल्सो रेशनल, रूट क्यू इज ऑल्सो रेशनल। बट यहां पर आप एक बात गौर करिए, मैंने पहले ही आपको लिखा दिया था कि रूट पी रूट क्यू तो इरेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम। तो प्राइम नंबर अगर उसके साथ रूट हो तो वो तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो जो हमने माना था यहां पर हमारा अजम्पशन, वो गलत है। तो हम अब क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट क्यू इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट क्यू इज इरेशनल, क्योंकि हमने यहां पर माना था रूट पी और रूट क्यू इरेशनल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन, बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन विच इज फॉल्स। अब जैसा कि हमारा अजम्पशन फॉल्स हो गया, तो हमारा अजम्पशन तो था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो अब उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। क्या हो गया? वो हो गया इरेशनल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का।